प्रणाम बच्चों, आज हम पाठ 7 रसोई घर पाठ को सीखेंगे। इस पाठ के द्वारा रसोई घर में कुछ वस्तुओं के नाम हिंदी में और इंग्लिश में भी सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं पाठ 7 रसोई घर। पाठ 7 रसोई घर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा, चकला बेलन चाकू चलनी बोल रहे हैं। रसोई घर का मतलब है किचन। बच्चों बताओ मुझे, आज रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहे हैं? आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। खोलने के बाद क्या हुआ देखो। खोलकर अंदर देखा तो चकला बेलन, चपाती रोलिंग बोर्ड है ना वो, और चाकू चलनी, चाकू का मतलब है नाइफ और चलनी का मतलब है स्ट्रेनर, ये क्या कर रहे थे? आपस में बोल रहे थे। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। रसोई घर में चाकू क्या कह रहा है देखो, मैं सब्जी फल काटूं, मैं क्या काटता हूँ, मैं सब्जी और फल को काट देता हूँ, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर सबको बांट देता हूँ। गाजर, गाजर का मतलब है कैरेट, और मूली, मूली का मतलब है रेडिश, प्याज, प्याज का मतलब है अनियन, और टमाटर, टमाटर का मतलब है टमाटो। इन सब का चिलों को काट कर सजा कर रखूंगा। चिलों का मतलब है पील, चिलों को निकालना का मतलब है पील आउट करना। इन सब्जी का चिलों को निकाल कर मैं प्लेट में सजा कर रखूंगा। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर थाली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। थाली कैसी है? थाली का मतलब है प्लेट। वो गोल चांद जैसी है, चांद का मतलब है मून, मून की तरह प्लेट है, और मैं बज भी सकती हूँ ताली की तरह, ताली का मतलब है क्लैप। मुझ में रोटी सब्जी डाली, अब थाली में क्या डालते हो? रोटी और सब्जी डालते हो। ये सब डालने के बाद सभी ने उसे झटपट खा ली, उस सब्जी को और रोटी को सबने झटपट से खा ली। यहाँ कुछ रसोई घर के वस्तु है, देखकर पहचानो। चकला बेलन, चकला बेलन। चलनी, चलनी। चाकू, चाकू। पहसुल, पहसुल। कैंची, कैंची। चीलनी, चीलनी।